क्या नाम है, जेंसोल इंजीनियरिंग, जो अभी 845 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में है, मेनली ये सोलर रूफटॉप जो सेगमेंट जिसकी अभी चर्चा हो रही है कुछ दिनों से, जब से ये श्रीराम महोत्सव हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अनाउंस करी, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएंगे, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी हो सकती है। इन्होंने इस सेगमेंट में एक स्कॉर्पियस ट्रैकर नाम की एक कंपनी को भी हाल ही में एक्वायर किया, जो कि एक इनोवेटिव सोलर पैनल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। इस सेगमेंट में जबरदस्त इनके पास ऑर्डर बुक है, 1100 करोड़ के ऑर्डर बुक है, प्लस 600 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए L1 है, तो टोटल 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक है। हाल ही में NHPC का एक कारगिल में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन के लिए भी इनको ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट मिला है, तो इस तरह की कंपनी है। इसके अलावा इनका EV लीजिंग का भी कारोबार है, जिसमें ये 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लीज कर चुके हैं, और इनके पास इरेडा और PFC से 1500 करोड़ की उस सेगमेंट के लिए क्रेडिट लाइन है, जिससे अच्छी ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। और एक और सेगमेंट जो एक कंपनी उतरने जा रही है वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सेगमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने जा रही है, जिसमें अर्बन यूटिलिटी कार, 2-सीटर कार बनाएगी पहले, फिर EV 3-व्हीलर, EV 4-व्हीलर, और इन्होंने इसके लिए एक US में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप भी एक्वायर किया है हाल ही में। और वाइब्रेंट गुजरात जो अभी हुआ था उसमें 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बताए हैं, तो कंपनी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले कुछ सालों में, मतलब 5-fold टर्नओवर में इंक्रीज की बातें हो रही है 2-3 सालों में, तो इस तरह का दमदार पोटेंशियल है। बाकी दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, रिजल्ट हाल ही में आया, 12 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 2 करोड़ का लॉस था। और ये कंपनी छोटी कंपनी है, बट JP Morgan की भी कवरेज लिस्ट में है, और 2-3 quarters पहले इसमें कई अच्छे नाम ने इन्वेस्ट किया, जैसे निखिल वोरा है 6th Sense Ventures के, फिर असनीर ग्रोवर जो भारत पे के नाम से पॉपुलर है, फिर आपके पृथ्वी गंडोत्रा जो ड्रोन कैपिटल वाले, उन्होंने सबने इस स्टॉक में निवेश किया हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, तो खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 950 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 815 रुपए का। जेंसोल इंजीनियरिंग के 815 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने की राय।